नमस्कार, व्यक्ति समाचार में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने कहा, सुषमा स्वराज का जवाब नहीं, रात 2 बजे भी देती है विदेश मंत्रालय से जुड़े ट्वीट्स के जवाब। जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज के बाद कई जगह पथराव, सुरक्षा बलों से झड़प में 10 लोग घायल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा, भारत में हर कोई निवेश करना चाहता है। पूर्वी दिल्ली के झिंगबिलिया के स्थित फ्लिपकार्ट के ऑफिस में 37 लाख रुपए की लूट। छीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर लगा जेल में दंगा भड़काने का आरोप, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जीप खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में नहाते समय करंट लगने से 1 किसान की मौत। बिहार के आवास मंत्री ने कहा, राज्य के 18 शहरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। पाकिस्तान में हाफिज सईद के जमात उद्दावा के मुख्यालय में कश्मीरी आतंकवादियों के लिए मांगी गई दुआएं। चीन में बाढ़ भूस्खलन से 34 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लापता। तेल टैंकर हादसा, मृतक संख्या 150 से ज्यादा हुई। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।